हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे R15 के ऊपर, यामा की R15। तो बेसिकली ये बाइक है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पीछे दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लर होगी, अभी दिखाएंगे तुमको कि कैसी लगती है बाइक। और ये कलर जो मेरे पास है, ये स्पेशल एडिशन है और इसका कलर भी खतरनाक लगता है देखने में। पर आज हम इसकी अच्छाइयाँ नहीं बुराई करने वाले हैं, मतलब कि इसके डिसएडवांटेजेस बताने वाले हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। इस बाइक को मैं यूज कर रहा हूँ 2 साल से एटलीस्ट, हाँ 2 साल हो चुके हैं इस बाइक को, और इसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हैं कि जिनको शायद कोई अगर बंदा खरीदता है तो उसके लिए वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मतलब अगर आप कोई 150 cc की बाइक खरीदने के लिए सोच रहे थे तो आप इसको कंसिडर करें उसमें या नहीं करें, इन पॉइंट्स को एक बार देख लें, उसके बाद आप सोचें इसके ऊपर। तो वीडियो को और आगे शुरू करने से पहले, सबसे पहले नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, दिवेश सिंह ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, और उसी के साथ मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करें। तो ये सब चीजें कर लें यार, और उसके बाद आप दिखाते हैं बाइक को, इसके कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आपको अच्छे ना लगे। पर हाँ, सबसे पहले बता दूं कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि बाइक इन पॉइंट्स की वजह से बहुत बेकार हो जाती है या फिर बाइक नहीं ले सकते। देखो, हर एक का अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग जो है, कुछ किसी के लिए ये पॉइंट्स मायने रखेंगे, किसी के लिए मायने नहीं रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से सोचें, मेरा काम है जो मुझे बुरे लगे हैं मैं अपने हिसाब से बता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहला पॉइंट है, इसकी पीछे की जो सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जब ब्रेक्स लगाते हैं तो आप जो है आगे वाली सीट पे आ जाते हैं, उसी के साथ उस सीट पे बैठना भी एक तरह का टास्क है, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा है। तो गाइस, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, उसी की वजह से अगर आप इसको लॉन्ग राइड्स पर चलाते हैं तो आपके हाथ, कंधे, पीठ, यहाँ तक कि पिछवाड़ा भी दुखने लग जाता है। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे हम इसके ब्रेक्स के ऊपर। तो इसकी जो ब्रेक्स हैं वो भी इसके कंपटीशन से बहुत पीछे हैं, मतलब कि नॉर्मल आपको 300 mm की ब्रेक्स इस टाइम पे मिल जाएंगी डिस्क ब्रेक, पर इसके अंदर आपको जो है 300 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक तक नहीं मिलती है। तो इसकी ब्रेक्स भी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, और 1.5 लाख की बाइक में ऐसी ब्रेक्स होना, आई थिंक मुझे लगता है कि इससे अच्छी ब्रेक्स आ सकती थी इस प्राइस में। तो गाइस, इसका जो चौथा डिसएडवांटेज है वो है इसकी हेडलाइट। इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, अभी भी आपको 35 वॉट की हेडलाइट मिलती है, यहाँ तक कि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले मॉडल में आपको LED लाइट्स मिलेंगी, तो आई थिंक वो अच्छा होगा। पर इस मॉडल में जो है आपको सिर्फ 35 वॉट की लाइट मिलती है, जो कि बहुत बेकार है, क्योंकि इसकी कॉम्पिटिशन की जितनी बाइक हैं उनमें आपको अभी भी जो है 60 वॉट की लाइट्स मिलती हैं। तो लाइट्स इसकी बहुत कमज़ोर है, हाईवे पर आपको बहुत दिक्कत देंगी ये लाइटें, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बस अगला जो डिसएडवांटेज है वो है ABS। इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता है, और इस सेगमेंट में देखा जाए, मतलब कि 1.5 लाख तक के सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि ABS प्रोवाइड करती हैं, यहाँ तक कि अपाची को ले लीजिए, अपाची जो है बहुत कम कीमत है इससे, और उसके अंदर भी आपको ABS मिलता है, और एक ABS बहुत सेफ्टी का फीचर है, वो आना ही चाहिए, और इसके अंदर ABS नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक के लिए। बाकी गाइस, मुझे तो यही कुछ पॉइंट हैं जो मुझे याद है, जो इसकी मुझको कमियां लगती हैं, जो चीज़ें सही होनी चाहिए इसके अंदर। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 150 cc का इंजन है इसके अंदर, पर अगर देखा जाए तो इसकी मटेरियल से लेके, इसकी क्वालिटी से लेके, इसके इंजन की परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो ठीक है 1.5 लाख रुपये, अगर ये सब चीज़ें सही कर दी जाएँ जो मैंने इसके अंदर बताई हैं, इस वीडियो के अंदर बताई हैं। तो आई थिंक ये जो बाइक है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, पर इन चीज़ों को अगर सही कर दे यामा तो ये परफेक्ट बाइक शायद बन सकती है फ्यूचर में। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे लगते हैं मेरे हिसाब से कि इस बाइक के अंदर थोड़ी सी कमियां हैं, बाकी ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को जो है वीडियो को सब्सक्राइब कौन करता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, गलतियाँ होती रहती हैं, इंसान हूँ मैं भी, क्या बोल रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है। और इंस्टा पे फॉलो करो और फेसबुक पे जो है पेज को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तभी के लिए बाय।